वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। देखें, आज हमारे साथ जो क्वेश्चन है जो हमें साथ देंगे वो है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं और हमने उनको लिखना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है आपके पास है, 2.576 मल्टीप्लाई 10^7। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखें, जब आपको मैंने हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हमारे पास पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब होता है कोई बड़ा नंबर था जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब उस टेन जब कोई नंबर हो तो उसको हमें बेसिकली आगे लेकर जाना है। अगर पॉजिटिव नंबर हो तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को 7 टाइम, देखें 10^7 है तो हमें 7 टाइम इस पॉइंट को आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो देखें वो कैसे आगे लेकर जाएंगे, we have to move this point up to the 7 time। ठीक है, 2.576 है तो मुझे जाना है 7 time आगे। तो ये आएगा 1, ये 2, ये 3, उसके बाद ये आएगा 4, 5, 6, 7। मैं 7 time आगे गया, जो जो बीच में आए हैं ना, ब्लैंक आए हैं, इसमें आप 0 डाल देंगे, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो मेरे पास वो नंबर था जिसका साइंटिफिक नोटेशन ये था, तो उसका ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होगा, उसका ऑर्डिनरी फॉर्म ये होगा कि 2, 5, 7, 6, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब होता है कि जब साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो कौन सा नंबर था, वो कौन सा बड़ा नंबर था जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं, देखते हैं उसको भी हम कैसे लिखते हैं इस फॉर्म में, उसको हम जो है ना साइंटिफिक फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं जो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम उठाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास नंबर है 7.00 and 5, 6 multiply 10^-8। ठीक है, माइनस ए इसका मतलब है कोई छोटा नंबर था जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो जब हमारे पास नेगेटिव होगा तो आपको पता है, याद होगा कि नेगेटिव नंबर बेसिकली हम पीछे से आगे जाते थे तब हमारे पास नेगेटिव मिलता था। तो इसका मतलब जब हमने इस नंबर को सिमिलरली ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास हमें पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखें इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो हमने जो नंबर है ना वो पीछे लेकर जाना है, लेकिन कितनी टाइम, 8 time पीछे लेकर जाना है। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। मेरे पास नंबर है 7.0056 और मुझे पीछे जाना है 8 time। तो मैं जाऊंगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, मैं 8 time गया पीछे। ठीक है, तो ये मेरे ब्लैंक है, इसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें 0 डालूंगा, ये आ जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। लेकिन इसमें एक और भी काम करते हैं, जहां पॉइंट आता है उससे पहले भी एक 0 डाल देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास नंबर क्या आया, 0.00000 और ये 0 और 7.0056। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। मैं देखूं कितना सही लिखा है, तो मेरे पास क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 0 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसको इसी नंबर को जो तो बहुत छोटा नंबर था जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था उसको ही हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख लिया, यानी ओरिजिनल वाला जो नंबर था वो ये था जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म जो है ना हमने साइंटिफिक नोटेशन वाले फॉर्म में लिखा था, इसका ये आपका ऑर्डिनरी फॉर्म वाला नंबर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और दूसरा भी प्रॉब्लम ट्राई करेंगे, उनको देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखे जाते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, मेरा जो नेक्स्ट नंबर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी है, फोर्थ वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास लिखा हुआ है 1.3 multiply 10^-9। इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं क्या लिखूंगा, देखें मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव होता है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो मेरे पास है 1.3 और 10^-9। माइनस 9 है तो मुझे कितनी टाइम पीछे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा 9 time पीछे। ठीक
ठीक है, तो आप देखें इसको 9 टाइम पीछे लेकर जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप 9 टाइम पीछे आ गए, तो इसको यहाँ 0 दे दें, यहाँ भी आपको 0 डाल देने हैं ब्लैंक्स में, राइट। तो मैंने यहाँ 0 डाल दिए। अब देखें मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, मेरे पास सॉल्यूशन होगा वो किस किस किस्म के होगा कि 0.000 और ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और 1 3, ठीक है। तो ये मेरे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में मेरे पास नंबर था, कौन सा नंबर था, 1.3 × 10⁻¹⁹, ये जो मेरे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था वो कौन सा नंबर था जिसका शॉर्ट फॉर्म था, वो ये नंबर था, ठीक है। ये ऑर्डिनरी नंबर था जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन ये लिखा था, और साइंटिफिक नोटेशन का ओरिजिनल नंबर जो ये है जिसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो नेक्स्ट नंबर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फोर्थ वाला, ये आ गया मेरे पास फोर्थ वाला नंबर, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड इट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लिखा हुआ है 1 × 10⁻³, ठीक है। तो आप जब सोचते हैं कि भाई मेरे पास कोई पॉइंट है, मुझे पॉइंट आगे लेकर जानी है, लेकिन यहाँ तो कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चन में बेसिकली ये क्या है, 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 10⁻³ का मतलब होता है जब आपके पास 10 है मल्टीप्लाई बाय 10, आपको 10 मल्टीप्लाई करना है कितनी टाइम, 13 टाइम आपको 10 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करें, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर ले, 1 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वही आंसर जाएगा 10 के पास 13 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब देखें 10 को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, 100, क्योंकि मैं 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, यही आएगा कि 1 और 10 के ऊपर पावर 10 के आगे की कितने देंगे, 13 जीरो दे देंगे। देखिए 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 के ऊपर सामने 2 जीरो दे दिए ना, 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के आगे 13 जीरो दे देंगे, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मेरे पास क्या आ गए, 13 जीरो, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 होता तो मैं क्या लिखता, यहाँ 2 लिख लेता और आगे 13 जीरो लिख लेता, ठीक है। जब आपके पास कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके बाद कोई पॉइंट ना हो, और 10 रेस टू पावर समथिंग लिखा हुआ हो ना, जैसे यहाँ 10 रेस टू पावर 30 लिखा हुआ है, तो उस नंबर के आगे उतनी आप जीरो डाल देंगे, ये आपका ऑर्डिनरी फॉर्म हो जाएगा। यानी ये वो ओरिजिनल बड़ा नंबर था जिसका मैंने ये साइंटिफिक नोटेशन लिखा था, तो मैंने वो उसका ऑर्डिनरी फॉर्म लिख लिया है। जैसे अगर आपके पास, मैं आपको एक और एग्जांपल करा देता हूँ, जैसे आपके पास आसानी हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ 6 × 10⁻³, तो इस देखिए यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 और 10⁻³ है, इसके आगे 3 जीरो डाल देंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम ज्यादा हमारे रहते हैं, वो हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। आई होप इट्स क्लियर।